तो कहीं ना कहीं मेरा मर्डर करना चाहती थी। कांग्रेस के लोग जिस तरीके से करते थे, वो उस समय की जो जो और दूसरी पार्टियां हैं उनको विरोधी ना मान करके मेरे को दुश्मन मानती थी। वो अंग्रेजों के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, जो ब्रिटेन की लोकसभा है ना, वहाँ जो संसद है उसमें एक कहावत है अंग्रेजी में कि वी हैव एनिमीज एट द बैक, अपोनेंट्स एट द फ्रंट। सामने वाले तो केवल जो है वो सामने वाले हैं, अपोनेंट है वो तो, लेकिन दुश्मन पीछे है। तो उन्होंने वो कहावत पूरी मानी और मेरे को दुश्मन मान लिया और उसी चक्कर में कांग्रेस निपट गई। तो अब तो मैं समझता हूँ कि उनके बारे में चर्चा क्या करनी, अब तो हम मोदी जी के साथ हैं। 2047 का विकसित भारत बनाने के लिए उन्होंने जो बड़ा विजन देखा है, बड़ा संकल्प लिया है, मनोहर लाल जी ने जिस तरीके से 9.5 वर्षों में हरियाणा में तेजी से काम किया, आज उस सोच के साथ मिलकर के पूरे हरियाणा का कैसे भला हो, देश के 140 करोड़ लोगों का भला कैसे हो, किसान मजदूर गरीब आदमी हमारा नौजवान हमारी माताएं बहनें हमारा कर्मचारी वर्ग वो कैसे आगे बढ़े, हमारा व्यापार उद्योग धंधे कैसे स्थापित हो, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि उसी को देख करके आने वाले समय में इस हरियाणा के लोग एक बार फिर 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें हर सीट 5 लाख के मार्जिन से ऊपर से जीतेंगे। हर मनोर तो उनको कम से कम 10 लाख वोटों से जिता करके इस देश के अंदर रिकॉर्ड कायम करनाल के लोग करेंगे, ये मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी सोच है। जिस व्यक्ति ने हमेशा सब कुछ पहले ही देश के लिए छोड़ दिया, तो जो उनके नाम भी था, मैं तो मेरे तो मामा के गांव के हमारे तो मामा ही लगे, और मैं तो जानता हूँ पीछे वो मेरी ज्वाइनिंग के बाद गाँव में गए, पूरे गाँव में उत्साह था, सब कुछ अपना वहाँ गाँव को समर्पित करके आगे पीएम उसमें दे दिया। तो ऐसी सोच के व्यक्ति को सब लोगों को मिलकर के आगे और बड़े रोल के लिए जो पार्टी देख रही है उसके लिए मैं समझता हूँ कि समर्थन है। कि मेरे तो 3 चुनाव में लड़ा, तीनों चुनाव में 4-4 लाख के आसपास वोट आए, लेकिन जो फ्लोटिंग वोट था वो कहीं ना कहीं खिसक गया। तो अशोक तंवर तो नहीं आ रहा था, मैं चेहरा जरूर था, लेकिन हार कांग्रेस पार्टी की हुई। यहाँ अब मैं आया हूँ तो चेहरा जरूर हूं मैं, लेकिन जीत किसकी होगी, कमल के फूल की होगी, नरेंद्र मोदी के विजन की होगी, उनकी सोच की होगी। तो मैं सभी से यही आह्वान करूंगा कि एक एक हरियाणा का साथी, एक एक हमारा कार्यकर्ता, एक एक नेता पूरी ताकत के साथ लगे, और आने वाले समय में अब हम विधानसभा के अंदर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सके। पीछे उस समय हमारे जैसे लोग संघर्ष करते थे, जो सच्चे ईमानदार थे, पैदल चलते थे, साइकिल चलाते थे, तो इतनी 31 सीटें आ गई। अब तो मुझे नहीं लगता कि 10 का भी आंकड़ा ये लोग पार कर पाएंगे।